मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ को घेरा और कहा कि कमलेश शाह हमारे परिवार में शामिल हो गए हैं, उनको गाली देना मैं किसी भी दृष्टि से उचित नहीं मानता। नकुलनाथ आदिवासी समाज से माफी मांगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ की स्थिति बहुत गड़बड़ है, ये किसी भी समाज का अपमान कर देते हैं, राजनीति में इससे किसी की छवि नहीं बनती है। कमलेश शाह को गाली देना उचित नहीं, नकुलनाथ आदिवासी समाज से माफी मांगे। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपने परिवार में ही कांग्रेस को बंद कर लिया है। भाजपा के अंदर कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में आकर अपने आप में सुकून पाते हैं। मुझे ध्यान में आया है कि कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ, जो छिंदवाड़ा के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हमारे गोंड समाज के बड़े अच्छे, अभी तक कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छे थे, जिनकी तीन पीढ़ियों से विधायक रहे हैं और गोंड राज परिवार के सदस्य हैं, कमलेश शाह जी जो हमारे अपने परिवार में सम्मिलित हुए, अब उनको गद्दार कहना, बिकाऊ कहना, ये गालियां बकना, ये किसी दृष्टि से मैं तो उचित नहीं मानता। नकुलनाथ जी को, आदिवासी समाज के ऐसे नेता को गाली बकना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे उनको क्षमा मांगना चाहिए, पूरे समाज से क्षमा मांगना चाहिए। जैसे मैंने कहा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी के द्वारा बहुत गड़बड़ है, तो ये वो गड़बड़ी के प्रमाण है कि ये किसी समाज को नहीं जानते, किसी के बारे में भी कुछ बोल देते हैं, किसी को भी अपमान कर देते हैं। राजनीति में इससे किसी की छवि नहीं बनती, और खासकर आप प्रत्याशी हो एक समाज के इतने बड़े व्यक्ति का, भाई उनने उसके उल्टे, जब कमलेश शाह जी आए तो उनने सम्मान के साथ कहा कि हाँ मेरे आदरणीय रहे हैं कमलनाथ जी, तो जब वो तो विनम्रता रख रहे हैं, सम्मान रख रहे हैं, लेकिन आप उनको छींटे क्या मारो, गाली मारो, तो ये अच्छी बात नहीं, इससे बचना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।